उज्जैन में जहरीली शराब से हुई 15 मजदूरों की मौत के बाद भी राजधानी भोपाल में शराब माफिया और अधिकारियों का गठजोड़ नया कांड करने की तैयारी में है। इस मामले में करोड़ों के घोटालेबाज आबकारी अधिकारी सीधे तौर पर शराब माफिया से मिलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तक को गुमराह कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान अवैध रूप से शराब की तस्करी कर रहे किशन आसूदानी उर्फ खग्गू की पुत्री दिव्या ने लंदन से सीएम शिवराज और आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी को पत्र लिखा है। ये पत्र खुद खग्गू की पुत्री ने लिखा है या आबकारी विभाग में 15 सालों से एक ही जगह जमे अफसरों ने मिलकर लिखवाया है, ये जांच का विषय है। बताया जाता है कि राजधानी भोपाल में आबकारी अधिकारियों की मिली भगत से जहरीली शराब का खेल जोरों पर चल रहा है। इस मामले में आबकारी विभाग के सीनियर अफसर कार्रवाई करने के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन भोपाल में बरसों से जमे अधिकारी उन पर कार्रवाई करने के बजाय अधिकारियों को ही गुमराह करके करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं। सीएम शिवराज को शराब तस्करी के आरोपी की पुत्री का पत्र भी पूरे आबकारी विभाग की खिल्ली उड़ा रहा है। शासन स्तर से आज तक उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिन्होंने सीलबंद दुकानों की सीलें तोड़वाकर शराब बिकवाई। शासन को कर चोरी के जरिए नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारियों पर आबकारी विभाग के मंत्री जगदीश देवड़ा की चुप्पी कई संदेहों को जन्म दे रही है। उज्जैन में जहरीली शराब में मारे गए 15 मजदूरों के मामले में भी आबकारी विभाग ने जिम्मेदार अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की, अलबत्ता पुलिस अधिकारियों ने जरूर निशाना बनाया गया। इधर किशन आसूदानी की पुत्री दिव्या ने सीएम को लिखे पत्र में कहा है कि किशन ने सांची में लाखों के अवैध दारू पकड़वाई थी, तब से कुछ आबकारी अधिकारी किशन आसूदानी के पीछे पड़ गए हैं। इस सिलसिले में दिव्या ने राजधानी में चर्चित आबकारी निरीक्षक विवेक त्रिपाठी का नाम लिखा है। विवेक त्रिपाठी की पोस्टिंग वापस धार में किए जाने के बाद भी आबकारी अधिकारी संजीव दुबे निरीक्षक विवेक त्रिपाठी को रिलीव नहीं कर रहे हैं, जिससे विभाग में प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी एवं आबकारी आयुक्त रजनीश दुबे की काफी किरकिरी हो रही है कि एक अदना सा निरीक्षक विवेक त्रिपाठी बड़े बड़े अफसरों पर भारी पड़ रहा है।